मीजर ऑफ लेंथ, ठीक है। लेंथ मिस होता क्या है, लंबाई, ठीक है, ऊंचाई चौड़ाई। जैसे तुम घर में कोई चीज नापना होता है, ठीक है, घर का, जमीन का, कुछ भी नापना होता है तो मीटर में नापते कि नहीं नापते हैं। तो किसी भी चीज को नापने के लिए हमें मेजरिंग टेप की जरूरत होती है, एक रॉड होता है उससे नापते हैं, या एक क्या होता है रॉड के साथ में एक स्केल होती है, मीटर स्केल भी बोलते हैं, इतना लंबा होता है मीटर स्केल, ठीक है, मतलब इतना लंबा नहीं, लंबा होता है मीटर स्केल, ठीक है। तो तीन चीजें होती है, एक मेजरिंग टेप होता है, दूसरा क्या होता है मेजरिंग रॉड होता है, और तीसरा क्या होता है मेजरिंग स्केल होता है, मीटर स्केल होती है। तो मान लो इस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नापनी हो तो किसमें नापेंगे, मीटर में ही तो नापेंगे बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे रुधौली में जमीन बिकता है तो किसमें बिकता है, मीटर में बिकता है ना, तो मीटर हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो हर चीज को नापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मीटर की, यूनिट हमें मीटर यूज करना है, ठीक। अब ये क्या करता है, वी कैन मेजर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। अब देखो इसके कुछ पार्ट हैं, इसमें पहला है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर मतलब कितना होता है 1 मीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, अब हमको बदलना है 5 मीटर 6 मीटर और 8 मीटर को किसमें बदलना है, 6-8 सेंटीमीटर, इसमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताओ 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, हाँ 5 × 100, ठीक है, 5 × 100 यानी 500 सेंटीमीटर। अब बताओ कि 6 × 1 मीटर में 100 मीटर है तो 6 मीटर में कितना होगा, 6 × 100 यानी 600 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही 8 मीटर में कितना होगा, 8 मीटर में कितना होगा, 800 सेंटीमीटर। अब ऐसे पूछो 9 सेंटीमीटर में, 9 मीटर में कितना होगा, 900 क्या सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर। आया समझ में, ये कैसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं पता है, क्या करेंगे, जितना भी मीटर होगा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, किससे करेंगे 100 से, ठीक है, कर लोगे ना। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसका, अपने आप से करो, 11 मीटर 12 मीटर और 16 मीटर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 11 मीटर को क्या करेंगे, 11 मीटर इक्वल टू 11, चूंकि 1 मीटर में कितना होता है, 1100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होगा तो 11 मीटर में कितना होगा, 11 × 100 यानी 1100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 11 मीटर में 1100, तो 12 मीटर में कितना होगा, 12 × 100 यानी 1200 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब बताओ 16 मीटर में कितना होगा? 16 × 100 यानी 1600 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में?